रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, तमाम भाजपा के वैसे नेता शामिल हुए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता नामांकन से पहले एक रैली में भाग ले रहे हैं और किस तरह से फूलों के साथ जो है कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। और राजधानी रांची के मोरामादी मैदान की तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ एक विशाल रैली निकाली जा रही है और इस विशाल रैली के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं अपना शक्ति जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ से डीसी ऑफिस जाएगी जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर आजसू के कार्यकर्ता हो, वो लोग यहाँ से डीसी ऑफिस जाएंगे, जहाँ पर सुदेश कुमार महतो समेत कई नेता जो हैं मौजूद रहेंगे। और उस दौरान रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए कि कितना विशाल जो ये रैली है वो आपको दिखाई देगा। काफ़ी संख्या में जो महिला कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, आजसू की, वो यहाँ पर पहुँची हुई है, रैली में शामिल हुई है। यहाँ से इसी कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जाना है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी समेत कई जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आपको तस्वीरों में पीछे जो एक गाड़ी में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आपको दिखाई देंगे, साथ में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, उनके साथ सांसद लोकसभा और बीजेपी के रांची से प्रत्याशी संजय सेठ वो आपको दिखाई देंगे, उसके साथ में पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और उनके बगल में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। और किस तरह से आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी समेत कई जो आम जन है वो भी यहां पर सम्मिलित हुए हैं संजय सेठ के नामांकन से पहले। और देखिए बड़ी संख्या जो है वो आपको, और किस तरह से यहां स्वागत किया जा रहा है, आप एकदम जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। और यहां से जब जितने भी नेता यहां से गुजर रहे हैं तब एक अलग ही दृश्य जो है वो आपको दिखाई देगा, एक शानदार नजारा जो है वो दिखाई देगा। बड़ी संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आजसू के कार्यकर्ता का आपको यहाँ दिखाई देगा और किस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है आप देखिए। और शानदार नज़ारा जो है वो आपको दिखाई देगा एक गाड़ी में जो रांची लोकसभा के प्रत्याशी हैं संजय सेठ वो आपको दिखाई देंगे। और जहाँ जहाँ से ये गाड़ी गुजर रही है वहाँ वहाँ पर आपको इस तरह से शानदार स्वागत करते हुए जो कार्यकर्ता है वो आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। और एक शानदार दृश्य जो है वो उमड़ कर सामने आ रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से जो है विशाल संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी आजसू के कार्यकर्ता जो हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। और एक विशाल रैली जो है यहाँ से निकल रही है जो कि राजधानी रांची के समरणालय में जाएगी, और जहाँ पर रांची के प्रत्याशी जो है संजय सेठ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विशाल जनसभा यहाँ पर आयोजित की गई थी और उस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई दल के जो नेता थे वो यहाँ पर जुटे हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो है उस विशाल जनसभा के माध्यम से कही थी। और काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और देखिए तस्वीर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो नामांकन पत्र यहाँ पर दाखिल करना है संजय सेठ को, उससे पहले की तस्वीर जो है आपको दिखाई दे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।